स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला
कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौए चरैया कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौए चरैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण गौए चरैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण गौए चरैया कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया 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 भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे भजो राधे गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं आप मुझसे दूर ना रहें मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय भगवद गीते जय गौ माता जय गुरुदेव नारायण 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 आराध्य चरणों में नमन गुरु चरणों में नमन अपनी प्यारी मातृभूमि भारत की सभी परंपराओं को नमन अवतार परंपरा त्योहार परंपरा
ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा, तीर्थ परंपरा, ये सब परंपराएं जिनके बल पर, जिनके कारण से अपना राष्ट्र विश्व गुरु कहलाया और जिनका पूरा सम्मान ही फिर से भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा सकता है, ऐसी समस्त परंपराओं को वंदन नमन। लुधियाना के धार्मिक नगरी में, यहाँ के इस सत्संग सेवा सुमिरन के एक दिव्य केंद्र श्री कृष्ण मंदिर के इस खुले सभागार में आज से 3 दिवसीय सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के भाव को लेकर। यद्यपि सत्संग की ये यात्रा 3 दिन पूर्व से प्रारंभ हुई पटियाला से, जो सीधे प्रसारण के रूप में देश विदेश में साथ साथ, और उस क्रम में आज से लुधियाना के श्री कृष्ण मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर में विराजित हैं और सच ये है कि जहाँ ये कृष्ण नाम आता है, ये नाम अपने आप में बहुत रहस्यमयी भी है, बहुत आनंदमय भी है। ये मंदिर का नाम, इस स्थान का नाम अपने प्यारे कृष्ण के नाम से है, और सच में जब ये नाम सामने आता है तो इस नाम के साथ ढेरों ढेरों दिव्यताएं सामने आती हैं। कृष्ण एक शब्द नहीं है केवल, वैसे शब्द का भी अपना एक प्रभाव है, होता ही है। अब तो विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है कि शब्द का प्रभाव कितना व्यापक होता है, कितना गहरा होता है, और शब्द भी जब कोई ऐसा दिव्य शब्द हो और दिव्यता में भी जहाँ कृष्ण भाव हो, तो सच में ऐसा शब्द भी गौरवान्वित होता है, धन्य होता है, और करोड़ों करोड़ों की धन्यता का आधार बन जाता है। कृष्ण ये शब्द भी रस भरा शब्द है, आनंद भरा शब्द है, और हम कई बार कहते हैं, जब कोई कहता है कि कृष्ण नाम में आनंद है, हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, कृष्ण नाम में आनंद नहीं है। एक बार सुनकर कुछ विचित्र लगता है दूसरे को कि कृष्ण नाम में आनंद नहीं है क्या, कृष्ण में आनंद नहीं है क्या। हम कहते हैं नहीं, कृष्ण में आनंद नहीं है, कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। कि जब हम शब्द को इस रूप में प्रयोग करेंगे कि गिलास में दूध है, तो निश्चित है कि 2 स्थितियां हो जाएंगी, गिलास अलग होगा और दूध अलग होगा।
पात्र में कुछ है, पात्र अलग है, पदार्थ अलग है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अलग कुछ नहीं है, यहाँ तो आनंद है, केवल आनंद, कैवल्य आनंद, अखंड आनंद, निर्तिशय आनंद, शाश्वत आनंद, परम आनंद, दिव्य आनंद, एक निष्ठ आनंद। और शब्द जितने भी लगाते चले जाएं, शब्द कहीं ना कहीं सीमाओं में रुक जाएंगे आकर के, लेकिन आनंद की कोई सीमा नहीं होती। आनंद असीम होता है, सुख की सीमा होती है। संसार से मिलता है ना, और संसार क्योंकि अपने आप में सीमा में है, संसार की सीमा है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भी संसार की सीमा है, और वैसे भी किसी भी दृष्टि से देखें तो संसार की सीमाएं निश्चित हैं। लेकिन न तो परमात्मा की कोई सीमा है, और इसीलिए परमात्मा को हम असीम कहते हैं, अथाह कहते हैं, अनंत कहते हैं। अंत नहीं है जिसका कोई, थाह नहीं है जिसकी कोई, इसलिए वो अथाह है। जिसका कोई पार नहीं पा सका, इसलिए वो अपार है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा असीम है, परमात्मा अथाह है, और इसीलिए उस परमात्मा का स्वरूप जो आनंद है, वो आनंद भी असीम है, अथाह है, अनंत है। और जिस जिसने वहां मन लगा करके सुख पाया, वो सुख अनंत बन गया। सुख तो हम भी चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो जीवन में सुख नहीं चाहता, कोई भी नहीं ऐसा। एक भी प्राणी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जीवन की यात्रा है ही सुख के लिए, दुख कोई भी नहीं चाहता। सबकी एक यांत्रिक मांग रहती है, सुखम में भूयात, दुखम में मां भूयात, मेरे जीवन में सुख ही सुख आए, दुख ना आए, चाहते सब यही हैं। हाँ, केवल एक उदाहरण शास्त्रों में बहुत ढूंढें, बहुत देखें, एक उदाहरण भारत की एक दिव्य मातृशक्ति का मिलता है, जिसे हम कुंती के नाम से आदर देते हैं। केवल एक उदाहरण मिलता है जहां दुख चाहा गया, दुख मांगा गया, और वह भी कहीं वैसे नहीं, यूं ही नहीं मांगा गया। जब साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े, स्वयं सामने खड़े हैं, और तब भी स्वयं की इच्छा से नहीं कुछ कहा गया, जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की बुआ, कुछ मांग मेरे से। कुंती मुस्कुरा देती है कि कृष्ण, तो सामने खड़े हो, मांगना कहां कुछ शेष रहता है, क्या मांगो। लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा है, मैं कह रहा हूं ना, कुछ मांग, और तब कुंती कहती हैं, आप कह रहे हो तो मांग लेती हूं, वैसे मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं इस समय। कहा, मेरी इच्छा देख कर ही। और तब अपने आप में एक विलक्षण, एक परम आश्चर्यमय, और केवल आश्चर्यमय ही नहीं, एक चौंकाने वाली स्थिति भारत की उस दिव्य नारी के मुख से निकलती है। दामन फैला करके जब कुंती ये कहती है कि वासुदेव, कुछ मांगने के लिए कह रहे हो तो ऐसा करो, मेरे दामन में कुछ विपत्तियां डाल दो, कुछ दुख डाल दो। शास्त्रों में कहीं कहीं कभी कभी कोई कोई ऐसा प्रसंग आया है, जिस प्रसंग ने या किसी भक्त की जिस प्रार्थना ने भगवान को भी चौंकाया, भगवान को भी स्तब्ध कर दिया कुछ क्षण के लिए, और भगवान भी देखते रह गए कि उत्तर दूं तो क्या दूं। जब प्रहलाद ये कहते हैं नरसिंह भगवान से,
बार बार कहने पर कुछ मांग, और प्रहलाद ये कहते हैं कि मांगने के लिए ही कुछ कह रहे हो और देना ही चाहते हो तो मुझे ये दे दो कि मेरी ये मांगने की आदत समाप्त हो जाए, मैं यही मांगता हूं। अलग अलग स्वरूप होते हैं भक्तों के, महापुरुषों के। बात इस भाव को लेकर प्रारंभ हुई तो स्वाभाविक सिकंदर की एक बात सामने आ गई। सिकंदर के जीवन में ढेरों विसंगतियां विकृतियां रही, लेकिन एक गुण था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण हो, कोई एकाध गुण ना हो, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो मनुष्य शरीर है। और वो गुण ये था कि सिकंदर जब भी कभी निकल रहे होते थे और कोई महापुरुष दिखाई दे जाता सिकंदर को, और सिकंदर को लग जाता, बहुत से प्रसंग हैं सिकंदर के जीवन के ऐसे, सिकंदर को लग जाता कि वास्तव में ये महापुरुष कोई अवस्था का महापुरुष है। सिकंदर अवश्य रुक करके प्रणाम करता और निवेदन करते। यदि हम सुनाने लगे सिकंदर के जीवन के ऐसे प्रसंग जो महापुरुषों से निवेदन किया मांगने के लिए, हम बीच में प्रसंग चला तो कोई कोई बात हो सकती है जैसी गोविंद की इच्छा होगी। लेकिन अभी जो बात ध्यान आ गई, अकस्मात एक मस्त फकीर दिखाई दिए, भोर का समय था, हल्का हल्का शीतकाल प्रारंभ हुआ था, अभी सूर्य उदय ही हुआ था, और वो संत सूर्य नारायण के समक्ष बैठकर बड़े शांत भाव से निहार रहे थे, ध्यान की मुद्रा में थे। कभी कभी अगर ऐसा संयोग बने और ऐसा अंदर से भाव बने, कभी ऐसा प्रयोग जीवन में करें हम, बड़ा अच्छा अनुभव होगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है, कभी उससे पूर्व जो हॉरिजॉन्टल पर एक बिल्कुल एक लालिमा सी, क्षितिज पर लालिमा उदय से पूर्व, और फिर जब उस लालिमा में से प्रकट हो रहा होता है सूर्य का भाव, सूर्य का तेज, और कभी समक्ष बैठने का अवसर मिले और कुछ क्षण उस आभा का दर्शन और फिर उसका ध्यान, अद्भुत प्रयोग है जीवन का। और कभी कभी ऐसे प्रयोग कर लेने चाहिए, ऐसे कोई अच्छे प्रयोग हो जीवन के, उनको कर लेना चाहिए। वैसे तो जीवन नाम ही प्रयोगों का है, न जाने कितने प्रयोग हम जीवन में करते रहते हैं, कितने एक्सपेरिमेंट्स जीवन में करते रहते हैं, कितनी आजमाइशें जीवन में चलती रहती हैं, और कई बार तो आजमाए हुए को बार 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 आजमाते रहना वो भी चलता रहता है। पता भी होता है ये आजमाया जा चुका है, ये स्थिति आजमाई जा चुकी है, और यहाँ से कोई अच्छा अनुभव नहीं सामने आया, लेकिन तो भी आजमाइशें प्रयोग चलते रहते, क्योंकि जीवन लाइफ इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट्स, जीवन एक्सपेरिमेंट्स का नाम है। तो क्यों ना कभी कभी कुछ ऐसा भी हो, कोई सात्विक प्रयोग, कोई अच्छा प्रयोग, कोई संत कोई ग्रंथ यदि निर्देशित कर रहे हो, संकेत कर रहे हो कि ऐसे प्रयोग करके देखो, तो आजमा लेना चाहिए। हो सकता है कुछ स्वाभाविक अनुभव ऊर्जा का होने लगे, और होता है, होगा, कभी ऐसा करें। सिकंदर ने देखा भोर का समय, कोई संत सूर्य के ध्यान में आराम से बैठे हैं, सिकंदर सामने खड़ा हो गया, प्रणाम किया और खड़े होकर निवेदन किया कि महाराज मेरे से कुछ मांगो।
जो आपका मन हो। संत चुप, मौन, बिल्कुल शांत। सिकंदर ने फिर से कहा कि महाराज मैं निवेदन कर रहा हूं, कुछ मांगो। जब तीसरी बार कहा, संत ने कहा मुस्कुराते हुए, सहज भाव, कहा सिकंदर वैसे कुछ मांगना नहीं है मुझे, लेकिन तू बार बार कह ही रहा है मांगने के लिए, तो मैं यही मांग रहा हूं तेरे से कि तू सामने से एक और हट जा, सूर्य और मेरे में बाधा बनकर खड़ा ना हो। बस तू एक और हट जा, यही मेरी मांग है तेरे से। कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसे भक्तमाल आप देखेंगे, कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां संतों ने कहीं स्वयं भगवान को भी स्तब्ध कर दिया, चौंका दिया, और भगवान भी चुप देखते रह गए भक्त के मुख की ओर। ये मांग क्या रहा है, ये मांग कैसी है? और कुंती ने चौंकाया जब कहा कि कृष्ण मेरे दामन में कुछ विपत्तियां डाल दो, कुछ दुख डाल दो। भगवान कृष्ण कुछ क्षण देखते रह गए और कुछ क्षण के बाद बोले, बुआ होश में तो है ना? कुंती मुस्कुराई, क्यों कृष्ण, पूरी तरह? कहो कोई दुख भी मांगता है क्या? और ऐसी स्थिति में जबकि सारा जीवन तेरा विपत्तियों में निकला है, विपत्तियों की एक बड़ी विचित्र सी गाथा रहा है तेरा जीवन, और अब, क्योंकि ये तब की बात है जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था, श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटने लगे थे, कब ऐसे समय में जबकि तेरा पुत्र राजा बन चुका है और तुझे राजमाता का सुख भोगने का समय तेरे हाथ में लगा है, अब तू राजमाता है बुआ, और ऐसे में दुख मांग रही है? कुंती कहती है, कृष्ण ये बात इसलिए, घटना आप सब जानते हैं, लेकिन बात इसलिए कि कुंती ने दुख मांग कर भी कृष्ण से कृष्ण को मांगा, कृष्ण से जीवन के परम आनंद को मांगा। कुंती ने कहा, कृष्ण मैं जानती हूं कि जीवन में विपत्तियां आई हैं, दुख आए हैं, बहुत आए हैं, संयम, संतोष, सहनशीलता, धैर्य, मानसिक दृढ़ता यदि जीवन में सीखनी हो किसी को, तो ऐसी ऐसी दिव्यताओं के जीवन चरित्र अवश्य पढ़ो, सामने रखो, पता चलेगा कि संयम क्या होता है, सहनशीलता क्या होती है, बात बात में बिफर जाने वाले, बिगड़ जाने वाले, जरा जरा सी बात को टेंशन बना लेने वाले, जरा जरा सी बात पर इरिटेशन खड़ी कर देना जहां नियति बन जाता है जीवन की, ऐसे में अगर कोई सहायक हो सकता है, रक्षक हो सकता है, मजबूत सहारा हो सकता है, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र। कि इतनी विपरीतताएं और तब भी इतना शांत चित, इतना दृढ़ मनोबल, और स्वयं भगवान सामने, और फिर भी कहा जा रहा है, कृष्ण जानती हूं विपत्तियां बहुत आई जीवन में, लेकिन ये भी जानती हूं कृष्ण कि मैं कभी भी किसी भी विपत्ति के समय, किसी भी कष्ट के समय मैंने किसी और का द्वार नहीं खटखटाया, किसी भी दुख के समय मैंने या तो अपने आंसुओं को अपने अंदर अंदर सहेल कर रखा, और या फिर यदि आंसू निकला भी
तो केवल तेरे चरणों में निकला, तेरे भाव में निकला और जीवन की यह सच्चाई है। ये जीवन की सच्चाई है। अगर ऐसा जीवन बन पाए या ऐसी श्री कृष्ण कृपा हो जाए कि ऐसी स्थिति में ध्यान उधर चला जाए। कुंती ने कहा, मैंने जब भी पुकारा कृष्ण केवल आपको पुकारा। और ये भी मैं जानती हूं कृष्ण कि हर विपत्ति में जब जब मैंने तुझे पुकारा वो विपत्ति विपत्ति नहीं रही, तब तब कृष्ण मेरे जीवन का धैर्य बनकर मेरे जीवन में आया, तब तब कृष्ण मेरे जीवन का आनंद बनकर मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन का विश्वास बनकर मेरे जीवन में आया। और एक बात कह करके कि मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर में हम भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री विग्रह को वंदन करें, अर्चन करें, पूजन करें, नमन करें, अच्छा है, करना चाहिए, परंपरा है। बल्कि बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि हमारी आगे की संततियां, आगे की जनरेशन भी अपने इन भावों से जुड़ी रहें, वो आवश्यक है। लेकिन साथ साथ यह भी आवश्यक है कि मंदिर के इस पावन विग्रह में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते जब बाहर निकले तो श्री कृष्ण मेरे जीवन के विश्वास के रूप में मेरे साथ बाहर निकले, श्री कृष्ण मेरे जीवन के आनंद के रूप में मुझे साथ अनुभव होता रहे। मीरा ने कहा था ना, जब विष का प्याला हाथ में आया था, विष के प्याले को देख करके मीरा ने यही कहा था कि कृष्ण मैं तेरी उपासना 5 वर्ष की थी जब मैंने प्रारंभ की थी। मीरा का जीवन यदि आप देखें, 5 वर्ष की आयु, मां के साथ जा रही थी, कोई बारात देख ली, मां से पूछ लिया ये क्या है, मां ने कहा किसी की का विवाह हो रहा है, और वो छोटी बच्ची स्वाभाविक कह बैठी कि मां मेरा विवाह किससे करेगी। मां उत्तर क्या दे 5 साल की बच्ची को, चलती गई। उस बच्ची ने फिर पूछ लिया, मां मेरा विवाह किससे करोगी, और चलते चलते कोई मंदिर दिखा, भगवान कृष्ण का विग्रह था वहां, और मां ने बात टालने के लिए मां के मुख से निकल गया, तेरा विवाह इससे करूंगी। और 5 साल की उस बच्ची ने निहारा और वहीं से कृष्ण को स्वीकार कर लिया, वहीं से मन में बिठा लिया, और वहीं से ये दृढ़ता बन गई थी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, ये दृढ़ता वहीं की थी। और उसके बाद तो जब 7 वर्ष की कोई संत आए घर में, पूजा कर रहे थे, जाने लगे, तो 7 वर्ष की बच्ची ने कह दिया कि ये कौन, उन्होंने कहा मेरे ठाकुर, कहा ये मुझे दे दो, तो क्या करेंगे, मैं सेवा करूंगी, मैं रोज देखती थी आपको, आप कैसे करते हैं कैसे करते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया समझ लिया, और मैं भी ऐसे ही कर सकती हूं, करूंगी। लेकिन संत नहीं माने, चले गए। स्वप्न में आकर प्रभु ने कहा कि मुझे वहां छोड़े, आप छोड़ा है। और तब से लेकर मीरा की कृष्ण भक्ति, गोविंद भक्ति प्रारंभ हुई थी, तब से यात्रा प्रारंभ हुई थी मीरा की। और जब विष का प्याला हाथ में आया, उस समय मीरा के उद्गार आप देखें क्या थे,
और यहां से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे यहां सनातन परंपराओं में साकार से निराकार, निराकार से साकार, साकार में निराकार, निराकार में साकार, ये दोनों कैसे मिले हुए हैं और साकार में से हम कैसी व्यापक प्रेरणाएं ले सकते हैं। विष का प्याला आने पर भी मीरा जब निहारती है, नीलवर्ण विष का भी रंग नीला होता है, देखती है और मीरा कहती है कि कृष्ण रंग तो तेरे जैसा ही लग रहा है इसका भी। विश्वास है ना, रंग तो वही लग रहा है। और दूसरी बात और विश्वास की कि मैंने वर्षों वर्ष उस विग्रह के रूप में पूजा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप केवल वही नहीं और केवल वही नहीं, ये दो शब्द ध्यान के हैं, आप केवल वही नहीं और केवल वही नहीं, आप कण कण में यहां भी मेरे साथ हैं। और मेरा विश्वास है कि इस विष के प्याले में भी आप अवश्य हैं। और ये सनातन संस्कृति का एक अकाट्य सत्य है कि मीरा को मीरा के श्याम सुंदर उस विष के प्याले में भी दर्शन दे रहे थे, अनुभव हो रहे थे। लोगों को लगा कि मीरा ने विष पिया, लेकिन सच ये है कि मीरा ने विष पिया ही नहीं था, मीरा ने तो अपने श्याम सुंदर को ही पिया था। विश्वास था ना, तो कृष्ण जीवन की ऊर्जा है, कृष्ण जीवन का बल है, कृष्ण जीवन का संबल है, कृष्ण जीवन का आनंद है, कृष्ण जीवन का सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे पक्का साथी और सहारा है। ये विश्वास करके जब कृष्ण उपासना होगी तब लगेगा कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, तब मधुसूदन सरस्वती जी की ये दिव्यता समझ में आएगी कि एक वेदांत की पराकाष्ठा में रहने वाला एक महापुरुष वृंदावन धाम में यमुना किनारे कृष्ण की साधना करते करते जब परिचित होते हैं कृष्ण तत्व से, तो कहना पड़ता है कि श्री कृष्ण से बढ़कर उनसे आगे कोई और परम तत्व है, मैं जानता भी नहीं हूं और अब जानना चाहता भी नहीं हूं, अब जानना चाहता भी नहीं। कुंती की बात चल रही थी, उसी से हम अपनी गीता यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुंती ने कहा, कृष्ण जब जब विपत्ति आई मैंने आपको पुकारा, और मैं जानती हूं कृष्ण कि हर विपत्ति में कृष्ण मेरा साथी बना, कृष्ण मेरा सहारा बना, हर विपत्ति में कृष्ण ने मुझे उस विपत्ति का अनुभव नहीं होने दिया, वो विपत्ति भी मेरे लिए संपदा बन गई। और अब जबकि जीवन का चौथा प्रहर आ गया है, और मुझे लगता है ऐसा ना हो कहीं, वो एक बात हम बड़ी सीधी सी कहना चाहेंगे, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर सीधे शब्दों का ही स्वभाव है, इधर उधर की बात का नहीं, और सीधी सी बात कहना चाहेंगे कि जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा होना चाहिए निश्चित। हाँ देखो, आपको कैसा लगे वो आपके ऊपर है, लेकिन सीधे विचार की बात कि जब हमें लगे कि अब
बच्चे सेट हो गए, बच्चों के दायित्वों से फारग हो गए, व्यापार ठीक है, बच्चे अपना जहां तक दायित्व हो गया हो रहा है ठीक है, तब भी देखते रहें, लेकिन उसके बाद हम जीवन की यात्रा को कृष्ण की ओर मोड़ें, उस भाव की ओर मोड़ें। एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा होना चाहिए, अब मेरा जीवन आवश्यक थोड़ा ना है कि सारे के सारे श्वास संसार के लिए। और कोविड के चलते हमने अनेक बार कहा, कोविड के चलते एक बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी, आनी ही चाहिए, कि तिजोरियों के धन की अपेक्षा ये श्वासों का धन कितना अधिक मूल्यवान है। बहुतों को समझ आई होगी कि तिजोरी के धन की अपेक्षा श्वासों का धन कितना मूल्यवान है। और अगर और सत्य हम स्वीकार कर पाएं तो श्वासों के धन की अपेक्षा नाम का धन और अधिक मूल्यवान है, क्योंकि श्वासों के धन का सही मूल्य यदि कोई है तो केवल और केवल एक है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, 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 अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, दुख में तड़फो नहीं सुख में फूलो नहीं, 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो 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 नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, अपनी सनातन परंपराओं में पूजा केवल मात्र किसी समय की सीमा में बंद पूजा नहीं है,
किसी एक स्थान तक सीमित पूजा भी नहीं। हाँ, समय और स्थान प्रेरणा है, लेकिन अपने यहां तो श्वास श्वास में नाम ले, प्रथा श्वास मत खोए। यहां दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ब्रज की गोपियां और इसीलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। तिजोरी के धन की अपेक्षा श्वासों का धन अधिक मूल्यवान है। और सच बात यह भी है कि तिजोरी का महत्व भी या बाहर की कुछ भी, उसका महत्व भी तो तभी तक है ना कि जब ये श्वासों का धन सुरक्षित है, वरना इसके बाद क्या महत्व दुनिया का। जो चले गए उनके लिए कहां दुनिया का धन और कहां कुछ रहा। इसलिए भी आवश्यक है जो बात कही जा रही थी कि जीवन में ये नहीं, अच्छा ढंग नहीं इस जीवन का। आयु के बढ़ने के साथ साथ लौकिक कामनाएं कम हो और नाम का धन बढ़ता बढ़ने लगे, सत्संग सेवा सुमिरन की ओर ध्यान बढ़ने लगे, यह जीवन की सार्थकता, यह जीवन का लाभ। वरना बड़ा विचित्र लगता है कई बार कि पता है कि जीवन में पता है कि चौथा प्रहर आ गया, अब इसके बाद कितना कुछ, लेकिन फिर भी ये नहीं ध्यान जाता कि अब तो वो कमाई कर लें जो मन को भी शांत करे और आगे भी साथ निभाए। वो कमाई कुछ कर लें अब तो, प्रयास करें। कुंती कहती है, कृष्ण जीवन का चौथा प्रहर भी आगे बढ़ चुका है और अब ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कि कहीं ऐसा ना हो कि इस समय में आकर के ये संसार का सुख वैभव मुझे तेरे से दूर ना कर दे। भक्त की चिंता और एक जागरूक हृदय की चिंता, क्योंकि संत भक्त नाम केवल बाहर की स्थिति का नहीं, वो अंदर की जागरूक चैतन्यता का नाम है। संत अंदर की जागरूक चेतन, वो वेश कुछ भी हो सकता है, स्थान कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है, संप्रदाय कोई भी हो सकता है,
अंदर की जागरूक चैतन्यता का नाम, जहां चेतना अंदर की जागरूक स्थिति में रहे और जहां ये जागरूकता रहे कि कहीं ये संसार तेरा नाम न छुड़वा दे, तेरी याद न छुड़वा दे, ये जागरूकता। कुंती कहती है, कृष्ण बस यही सोच करके मैं मांग रही हूं कि अगर दुख है तो तेरी याद तो कम से कम आती रहे। और सच ये कि कुंती ने दुख नहीं मांगा, दुख के बहाने कुंती ने कृष्ण को ही मांग लिया, कृष्ण को ही मांग लिया और कृष्ण के रूप में जीवन का आनंद मांग लिया। जहां कृष्ण है वहां आनंद है, वही आनंद। अपनी सनातन परंपराओं में ये जो युगल उपासना है, ना भले ही श्री कृष्ण मंदिर है लेकिन हमें लगता है ये श्री शब्द जो है, कोई सोच सकता है कि अंदर स्वरूप जो है, श्री विग्रह जो है वह तो युगल सरकार का है लेकिन नाम खाली कृष्ण मंदिर। हमें लगता है कि ये श्री शब्द जो है, ये श्री शब्द तो है ही किशोरी जी का, राधा जी का। तो जहां श्री कृष्ण है तो वहां राधा कृष्ण ही है। और युगल उपासना अपने यहां, उस उपासना में भी कृष्ण राधा हमने नहीं कहा कभी, युगल उपासना में हमने राधा कृष्ण कहा है। ऐसा ही है ना, सीता राम कहा है। क्यों? राधा साक्षात प्रेम है और कृष्ण साक्षात आनंद है। कृष्ण साक्षात आनंद है और पहले राधा बाद में कृष्ण, इसलिए कि राधा होंगी तो कृष्ण होंगे, अर्थात प्रेम होगा तो ही आनंद होगा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, अर्थात बिना प्रेम के आनंद कहाँ है? जहां प्रेम है वहीं आनंद है, जहां प्रेम है वहीं कृष्ण है। और इसलिए कृष्ण को जीवन का आनंद मान करके कृष्ण को हर पल का साथी बनाओ। और जब लगे कुछ विपरीतता है, कुछ अनुकूलता नहीं है, और जीवन को, सच तो ये है कि जीवन को केवल ये सोच कर नहीं जीना चाहिए। तनाव दबाव जो होते हैं ना जीवन में, वो एक चिंतन की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से यदि हम देखें तो उनका कारण क्या है? क्योंकि जीवन में हम सोचते हैं कि मेरे अनुकूल सब कुछ चलता रहे, अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। जहां कुछ अनुकूल नहीं चलता वह वहीं सुख दुख का रूप ले लेता है। यही है सांसारिक रूप में सुख और दुख की कहानी, बस केवल इतने से शब्द में। संसार का सुख और संसार का दुख केवल इतनी सी कहानी है उसके, अनुकूल वेदनियम सुखम प्रतिकूल वेदनियम दुखम। मेरे अनुकूल सब कुछ चलता रहे तो मैं सुखी, और जहां मेरे अनुकूल नहीं चला कुछ वही मैं दुखी, वही मैं परेशान। और संसार में देखो, ये जो संकेत कृष्ण भाव के साथ किए जा रहे हैं, ये वस्तुतः गीता का तत्व तो ही है। हम इस भाव को लेकर कल से गीता के चिंतन के साथ ही इस कृष्ण भाव को लेंगे साथ साथ, लेकिन वास्तव में ये गीता का तत्व तो ही है, गीता का मूल चिंतन ही है कि जीवन को हम ये मानकर ना जिए कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो। और कभी भी नहीं रहा, किसी के नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, जब स्वयं कृष्ण इस धरा पर अवतार लेकर आए, सब कुछ उनके अनुकूल रहा क्या? सब कुछ उनके अनुकूल रहा क्या? स्वयं उनके अनुकूल सब कुछ रहा क्या? छठा ही दिन तो था,
जब उत्सव हो रहा था छठी का और पूतना दूध के बहाने विष पिलाने के लिए आगे, कि छठा दिन था और उसके बाद प्रतिकूलताओं की लंबी गाथा रहा कृष्ण जीवन, कृष्ण चरित्र लंबी गाथा प्रतिकूलताओं की चलती रही चलती रही चलती रही। कहीं शक्टासुर आ रहा है, कहीं तृणासुर आ रहा है, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, कहीं प्रलंबासुर, कहीं व्योमासुर, और कितने असुर, शिशुपाल, दंतवक्त्र, न जाने कैसे कैसे नाम, कंस वध से पहले पहले कितनी स्थितियां, पूरे और आयु क्या थी जो कंस वध हुआ, कुल 11 वर्ष के थे, और 11 वर्ष से पहले के जीवन में कितना कुछ आ गया, कितना कुछ आ गया। तो सारी अनुकूलताएं, तो उनके स्वयं के जीवन में भी नहीं रही। तो केवल ये मान करके जीना कि अनुकूलताएं ही, हाँ प्रार्थना करें, प्रयास करें कि सब कुछ मेरे अनुकूल रहे, ये प्रयास रहे करें, प्रभु कृपा बनाए रखो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जिस संसार में हम और आप आए हैं ना, इस संसार में दिन के साथ रात तो है ही है ना, है या नहीं, और आज की है क्या, क्या इसी युग में, या जब से हम हैं तभी से हुआ ये दिन के साथ रात, ये तो जब से सृष्टि बनी तब से है, सर्दी भी है गर्मी भी है साथ, बसंत भी है पतझड़ भी है साथ, तो ये सब है। भगवद गीता और श्री कृष्ण भाव एक संतुलित जीवन की प्रेरणा है। समत्वम योग उच्यते, एक संतुलित जीवन, कि हर स्थिति में न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, मेरे ठाकुर तू जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा है, तू जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा। और जब ये कहना सीख जाएंगे ना, और केवल जुबान से नहीं मन के भाव से, और तब देखना कि कृष्ण मुझे मेरे हृदय के आसन पर अनुभव होते हैं या नहीं, और तब लगेगा कि साथी कृष्ण है, सहारा कृष्ण है, सहायक कृष्ण है, रक्षक कृष्ण है, बल कृष्ण है, संबल कृष्ण है, जीवन का आधार कृष्ण है, जीवन का सार कृष्ण है, जीवन का प्यार कृष्ण है, और जीवन का सच मानो तो सर्वस्व श्री कृष्ण है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। वास्तव में गीता और गीता के कृष्ण दो हैं ही नहीं, कृष्ण ही गीता है और गीता ही कृष्ण है। हमें
ऐसा लगता है और बहुत बार ऐसी चर्चा भी हुई है। और इसलिए आज जब मंच पर बैठे थे तो विचार कुछ और था कि गीता जी के इस भाव से 3 दिन का प्रारंभ करेंगे। गीता जी के इस भाव से 3 दिन प्रारंभ करेंगे, लेकिन कृष्ण श्री कृष्ण मंदिर में है तो कृष्ण भाव ही प्रारंभ हो गया और कृष्ण भाव से ही आज की चर्चा आगे बढ़ती रहे। कल हम इस कृष्ण भाव को ही गीता भाव के साथ लेकर के अब बाकी तो जैसी उनकी मौज है उनके स्थान में है और जैसी उनकी मौज है, क्योंकि वाणी तो एक यंत्र मात्र है, उपकरण है, बोलने वाला और बुलवाने वाला तो वही है, वो क्या बुलवाते हैं वो उनकी इच्छा। अगले 2 दिन हमारे पास और हैं, उसमें हम और आगे की चर्चा करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य एक बार रात्रि विश्राम से पहले विचार करना।